हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीनियस कंप्यूटर क्लास। आज मैं आपको बायोडाटा बताने वाला हूँ, बायोडाटा कैसे क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। तो आप इस वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा, साथ ही कमेंट कीजिएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे बायोडाटा कैसे हम बायोडाटा क्रिएट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, मैंने एक बायोडाटा बना कर रखा हुआ है आपको, सिर्फ आपके लिए ही। अब कैसे क्रिएट करें, कैसे हम इसे अच्छे से बनाएंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा बायोडाटा मैंने कैसे बनाया है। आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए मैंने बायोडाटा कैसे बनाया है। बायोडाटा मैंने बनाया है, यहाँ पर इमेज लगाया है, फिर मैंने बॉक्स क्रिएट किया, फिर अदर क्वालिफिकेशन मैंने सब लिखा। तो मैं आपको ये पूरी डिटेल देने वाला हूँ कि मैंने कैसे कैसे बनाया, कैसे नहीं बनाया। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपने वीडियो को। सबसे पहले आपको अपने विंडो पर जाना है। विंडो पर जाने के बाद आपको रन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर टाइप करना है आपको विनवर्ड, WINWORD विनवर्ड के नाम से इसे टाइप करना है, इसे एंटर कर देना है। विनवर्ड से हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वर्ड भी जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम दो नाम से जानते हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, एक इसका दूसरा नाम है विनवर्ड, जिसे विनवर्ड्स के नाम से भी हमसे जानते हैं। तो ये जो यहाँ पे ब्लैंक कर रहा है ना, ये वाला, इसे हम इस पर लिखेंगे बायोडाटा। देखिए बायोडाटा लिखते हैं, बायोडाटा, देखिए मैंने बायोडाटा लिखा, फिर इसे हम राइट क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें कंट्रोल ई करना है, कंट्रोल ई कर सकते हैं तो ये सेंटर पाएगा, चाहे आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसे। फिर इसे हम बिग कर लेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे हम, देखिए इस तरह कर लेते हैं बड़ा 24 पे, चाहे यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। ओके, आप इसे किसी भी स्टाइल दे सकते हैं, आपको जैसा स्टाइल चाहिए आप वैसा स्टाइल इसे दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये वाला नहीं, मैंने ऐसे ये स्टाइल दे दिया। इसके बाद फिर से आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने का देखिए, ये जो लिंक है वापस ये प्रेस कर रहा है कि मुझे इसे यहाँ लाना है। तो इस साइड लाने के, लेफ्ट साइड आने के क्या करेंगे, कंट्रोल एल करेंगे, कंट्रोल एल से हमारा ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है नेम, तो आप नेम टाइप कीजिए। नेम टाइप कीजिए करने के बाद आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इसे आप छोटा भी कर सकते हैं, छोटा आप यहाँ से कर लीजिए। इससे हम 18 पर रखते हैं, 18 में हम रखें, नेम पे हैं। इससे आपके कीबोर्ड पे रही टैप बटन होगा, टैप TAB टैप बटन होगा, उस पर दो बार प्रेस कीजिए तो ये जो ब्लैंक कर रहा है ये दो बार आगे बढ़ेगा। एक बार देखिए आगे बढ़ा, फिर दो बार आगे बढ़ा, फिर आप यहाँ से इसे इस तरह दे सकते हैं। एक सेकेंड, इस तरह से फिर टैप कीजिए एक बार, फिर देखिए यहाँ से फिर आपको जो भी नाम होगा आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ओके, देखिए मैंने ये टाइप कर लिया, फिर मुझे एंटर प्रेस करना है। फिर मुझे यहाँ पर लिखना है फादर नेम, क्या लिखेंगे हम, फादर नेम लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, फिर मैंने फादर नेम लिख लिया, मैंने एक बार टाइप किया इसमें और फिर मैंने इस प्रेस दिया। और फिर यहाँ पर आपको जो भी फादर नेम होगा आप इससे यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से लिखता हूँ नीचे मदर नेम, मदर नेम, देखिए मैंने लिख लिया, फिर मैंने टैप किया, फिर ये एरो दिया और मैं फिर से अब ये मदर नेम लिख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है डेट ऑफ बर्थ, आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, डेट ऑफ आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, टैप कीजिएगा, ठीक है। टैप करने के बाद आपको फिर से ये प्रेस करना है, इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी होगा, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो मैं लिख देता हूँ, आप इसे एक लिखिएगा, ठीक है। देखिए मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इनपुट कर दिया है मैंने, फिर आप नीचे लिखिएगा नेसेसरी, ठीक है, नेसेसरी आप इसमें लिख दीजिएगा, फिर टाइप कीजिएगा एक बार, फिर दोबारा टाइप कीजिएगा जब तक तो सेंटर बना आ जाए, फिर इस तरह पेस्ट कीजिएगा। फिर नेसेसरी में आप लिखिएगा क्या, इंडियन, मैंने एक बार टैप करके लिखिएगा इंडियन, इंडिया में देखें लिख दिया। इसके बाद आपको लिखना है जेंडर, ओके, जी एन डी, देखिए मैं जेंडर लिखा, फिर मैंने टैप किया, दो बार मैं टैप करूँगा, उसके बाद ये दीजिएगा, फिर जेंडर आप लिख लीजिएगा, जेंडर मैं लिख देता हूँ, आप लिख सकते हैं आपका जो भी है। जेंडर के बाद आपका आता है मेरिट स्टेटस, MARITAL मेरियल स्टेटस, S T A
STATUS, जैसे कि मेरा स्टेटस आ गया, मैंने ट्वीट से टैप किया, सेंटर पा चुका है, मैंने इससे दिया। अब मैं अनमैरिड हूँ तो आप यहाँ पे अनमैरिड लिख सकते हैं, अगर आप मैरिड है तो आप मैरिड लिख सकते हैं। जैसे मैं अनमैरिड हूँ तो मैंने यहाँ पे अनमैरिड लिख दिया। उसके बाद आप लिख सकते हैं, उसके बाद आपको लिखना है रिलेशन, ठीक है, रिलेशन लिखिए, RELIGION, रिलेशन लिखिए, फिर से टैप कीजिए दो बार, टैप करना सेंटर पर आ गया। फिर आपको रिलेशन में क्या लिखना है, आपको रिलेशन में लिखना है आप हिंदू हैं क्या है वो आप लिख सकते हैं, मैं इसके लिए कुछ नहीं बोलूँगा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है एड्रेस, आपका एड्रेस क्या है, ठीक है, आप यहाँ पर एड्रेस लिख सकते हैं। दो बार टैप दबाइएगा तो ये सेंटर बीच पे आ जाएगा, फिर इस तरह कीजिएगा, फिर आपका जो भी एड्रेस होगा आप यहाँ पर एड्रेस इनपुट कर सकते हैं। तो मेरा एड्रेस मैं यहाँ पर इनपुट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, इस पर ये बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए, ठीक है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस लिख चुका हूँ पूरा, ठीक है, इसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर पूरा डिटेल तो नहीं लिखूँगा, ठीक है, मैं आधा ही डिटेल लिखूँगा। इसके बाद आप अपना जहाँ तक पूरा स्टेटस होगा आप लिख सकते हैं, मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि आपने कहाँ तक एजुकेशन किया है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ एजुकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं, इसे चाहे तो थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं ताकि देखने में थोड़ा अच्छा भी लगे, ठीक है। इसके बाद आपको बॉक्स सेलेक्ट करना, बॉक्स कैसे सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, देखिए टेबल दिख रहा है, टेबल पर क्लिक करेंगे, आपको गिन के 5 बॉक्स लेना है, 5 पे राइट से लीजिएगा और 5 डाउन से लीजिएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, देखिए 5 मैंने राइट से लिया, फिर 5 डाउन करूँगा, 1, 2, 3, 4, 5, देखिए मैंने गिन के लिया 5 बॉक्स। आप इस पर आप लिख सकते हैं एग्जामिनेशन, तो आपका किसका एग्जामिनेशन था, देखिए मैंने इस पर एग्जामिनेशन लिख लिया है। फ्रेंड्स, आप फिर आप सेकेंड बॉक्स पर आइए, इस पर आपको लिखना है बोर्ड, ठीक है, बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी आप लिख सकते हैं, ठीक है, बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपको इस पे आना है, इसे यहाँ ही रखता हूँ, फिर आपको इस पे टाइप करना है ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग आपको टाइप करना है इस पे। फिर आपको इस पे टाइप करना है डिवीज़न, फिर आपको इस पर टाइप करना है परसेंटेज, ओके, परसेंटेज टाइप कर लिया, फिर आपको एक बॉक्स को छोड़ देना है, फिर आपको नीचे वाला बॉक्स पे आना है, इसका आपको टाइप करना है मैट्रिक, ठीक है, मैं ऐसे मैट्रिक क्वेश्चन टाइप कर लिया। फिर इसमें मुझे लिखना है इंटरमीडिएट, ओके, इंटरमीडिएट, इस पर मैंने इंटरमीडिएट लिख चुका हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इस पर इंटरमीडिएट लिख दिया। फिर आपको नीचे लिखना है ग्रेजुएशन, कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया, तो आप इस पर ग्रेजुएशन लिख सकते हैं, DUCATION, आप इस पर ग्रेजुएशन लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आपको चूज़ करना है BSc, BCOM, चाहे BA, मैं वो लिख कर दिखाता हूँ आपको। ग्रेजुएशन लिखने के बाद आपको इस पर फिर एंटर प्रेस कीजिएगा ताकि थोड़ा तो नीचे आ जाए। फिर आपको लिखना है BSc है चाहे आपको BCOM है, तो मैं लिख देता हूँ
मैंने जैसे यहाँ लिखता हूँ BSc एंड BCom और एंड BA, ओके। BA लिखने के बाद आपको फिर यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी पे आना है, इस पर आपको टाइप करना है जो भी आपका बोर्ड हो, जेक हो, CBSE हो, IC हो। तो मेरा जेक बोर्ड था, मैं इस पर जेक बोर्ड टाइप करता हूँ। फ्रेंड्स घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे अच्छे से परफेक्ट कर दूंगा, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। जेक बोल्डिंग के बाद फिर आपको लिखना ईयर ऑफ पासिंग, आप किस में इसे पास किया था। 2019 में मैंने पास किया था, ईयर ऑफ पासिंग है मेरा, मेरा डिवीज़न था फर्स्ट डिवीज़न था, ओके। मेरा परसेंटेज था 80.40, मेरा परसेंटेज आया था, ओके। मैंने इंटरमीडिएट में अभी अप्लाई ही किया हूँ, ठीक है। फिर आपको फिर इस पर आना, नीचे आना है, इस पर आप नीचे आ सकते हैं, फिर से एंटर प्रेस कीजिएगा तो आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आपको फिर टाइप करना अदर क्वालिफिकेशन, मैं इसे एक पेज में कर दूंगा, आप इसे देखते जाइए। अदर क्वालिफिकेशन मैंने टाइप कर दिया, फिर मैं इसे बिक कर लूँगा। बिक करने के लिए मैं यहाँ से भी बिक कर सकता हूँ, चाहे मैं यहाँ से भी बिक कर सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने अदर क्वालिफिकेशन में टाइप कर दिया, इस पर आपका जो भी अदर क्वालिफिकेशन होगा आप टाइप कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन को ले सकते हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आपको जो भी एरो चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। ये अदर क्वालिफिकेशन, मैंने डिप्लोमा किया हुआ हूँ तो मैंने डिप्लोमा यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो छोटा कर लेता हूँ 18 के साइज पे, ठीक है फ्रेंड्स। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन, और मेरा ये अपना डिप्लोमा किया था मैंने। एक दूसरा है, मैं इसे बंद कर देता हूँ, बंद करने का आप रन कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं लैंग्वेज, आपको किस तरह का लैंग्वेज आता है, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने लैंग्वेज लिखा, लैंग्वेज नाउ मैं कौन कौन सा लैंग्वेज जानता हूँ तो इससे मैं अच्छे से लिखता हूँ। जैसे मुझे हिंदी एंड इंग्लिश आती है तो मैं हिंदी और इंग्लिश लिख लेता हूँ। आपको कुछ और भी आती होगी आप लिख सकते हैं, मैं हिंदी एंड इंग्लिश, मैंने हिंदी एंड इंग्लिश को लिख चुका हूँ मैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सपीरियंस, आपका कोई और भी होगा तो आप एक्सपीरियंस भी टाइप कर सकते हैं। मैं एक्सपीरियंस भी यहाँ पर लिख देता हूँ, आपका एक्सपीरियंस कहाँ तक है आप वो भी इस पर लिख सकते हैं। तो मेरा 2 इयर्स एक्सपीरियंस, टू इयर्स एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 2 इयर्स का एप्लीकेशन है, कंप्यूटर पर मैंने अच्छे रिसर्च की है। और आप नीचे लिख सकते हैं डेट प्लेस एंड सिग्नेचर, तो आप डेट प्लेस यहाँ लिख सकते हैं, जैसे एक स्पेस एंटर मार कर डेट लिख सकते हैं, डेट लिखने के बाद आप ऊपर में लिखिएगा आपको इस तरह का एरो दिखेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह आप कर सकते हैं, आपका यहाँ पर डेट आ जाएगा। फिर नीचे टाइप कीजिएगा तो आपका यहाँ पे प्लेस आ जाएगा, प्लेस टाइप कर सकते हैं, प्लेस टाइप करने के बाद फिर आप इस तरह कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर टाइप करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, इससे आपको सेंटर पर आ जाता है। देखिए इस तरह आप इसे कहीं भी आकर पीछे कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर लिखना है इसे, मुझे यहाँ पर लिखना है सिग्नेचर, चाहे आप इसे सिग्नेचर को नीचे भी कर सकते हैं, मैं तो नीचे ही कर लेता हूँ, ये परफेक्ट रहेगा। आप यहाँ से ही कर सकते हैं सिग्नेचर, SIGNATURE
सिग्नेचर लिख सकते हैं, फिर इसके आप ऐसा करके इसे अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा बड़ा डाटा पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं इसे सेट कर देता हूँ, पहले मैं इसे किसी भी स्टाइल पर सेट कर लेता हूँ। मैं छोटा आराम से मैंने स्किप कर लिया, फिर मैं सबको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए कीजिएगा। कंट्रोल ए करने के बाद इसे आप थोड़ा छोटा कर लीजिए, इस पर परफेक्ट दिखे। सॉरी फ्रेंड्स, मैं इसे बड़ा कर दिया, मैं छोटा कर लेता हूँ इसे। ओके, ये सारे एक पेज में आ चुके हैं। अब मैं इसे अच्छे से परफेक्ट कर लेता हूँ। नेम को मैं थोड़ा और पीछे करता हूँ, फादर नेम, तब मैं अच्छे से परफेक्ट कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा पीछे कर लीजिए इसे। देखिए यहाँ पर सब अच्छे से टाइप हो चुका है, मैं इसे थोड़ा पीछे कर लेता हूँ। देखिए सारा मेरा एक प्लेस में आ चुका है। अभी से थोड़ा लास्ट में कर दिया और थोड़ा परफेक्ट लगा देखने में। ये हमारा सिग्नेचर यहाँ पा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ डेट प्लेस लिख सकते हैं। देखिए मैंने हमारा बायो डाटा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब रहा यहाँ पे फोटो कि कैसे यहाँ पे पिक्चर ऐड करते हैं। पिक्चर ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने इंसर्ट पे जाना है। उससे पहले आपको इंसर्ट पे जाना है, फिर यहाँ पिक्चर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक नहीं करना है। ये सब कुछ किसी के कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। पहले इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर दिख रहा है। आप किसी भी पिक्चर को यहाँ से लाएगा तो ये गलत होगा, ऐसा नहीं करिएगा। इस पिक्चर को बताते हैं कहाँ से लाना है। इस पिक्चर को आपको लाने के लिए यहाँ पर जो ऐड यहाँ पर जो पिक्चर ऐड करना है, इसे आप फ्रेंड्स सबसे पहले आपको अपने पेज लेआउट पर जाना है, नहीं सॉरी सबसे पहले आपको इंसर्ट पर जाना है। इंसर्ट पर जाने के बाद आपको शेप दिख रहा है, शेप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक इस पिक्चर को रेक्टेंगल को ले आना है। रेक्टेंगल को लाने के बाद से आप छोटा साइज पे फोटो का साइज पे ला सकते हैं। जैसे आप इसको छोड़िएगा आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा सेव फिल का, सेव फिल पर जाइएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा पिक्चर का, पिक्चर पर आपको जाना है। आपको जिस भी ड्राइव में आपको पिक्चर होगा आप वहाँ से पिक्चर चूज करके ला सकते हैं। जैसे मैं पिक्चर लाता हूँ, मेरे इस ड्राइव में पिक्चर है, जैसे मैं दिखाता हूँ मेरे किस ड्राइव में पिक्चर है। पिक्चर मैं चूज कर लेता हूँ यहाँ से। जैसे आपका A4 साइज का इस पेज को निकालने के लिए आप छोटे से पिक्चर को चूज़ कीजिएगा। ये हमारा जो बिग बिग पिक्चर है, तो मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ, इसे मैं इंसर्ट करता हूँ। जैसे इंसर्ट कीजिएगा आपका यहाँ पिक्चर आ जाएगा। तो आपको फुल पिक्चर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह आप अपना बायोडाटा कम्प्लीट कर सकते हैं। इस तरह अपने बायोडाटा कंप्यूटर में आप बिना किसी की हेल्प के बायोडाटा खुद से बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब मेरा पूरा कम्प्लीट हो चुका है। पहले हमारा बायोडाटा मैंने बनाया, फिर मैंने नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नस्ली, जेंडर सब मैंने ऐसे टाइप किया। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन था, मैंने पूरा यहाँ पर आपको दिखाया। हर एक चीज़ आप अच्छे से देखे होंगे। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे, किस तरह बायोडाटा क्रिएट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।